दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी नंबर पर डाटा या एमबी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपने नंबर से किसी भी नंबर पर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी नंबर पर डाटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पावर टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज आपको हमेशा मिलती रहे। एंड इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, नहीं तो बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। सो गाइस, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल डायलर को ओपन कर लेना है। ओके, कॉल डायलर को ओपन करने के बाद से आपको एक कोड टाइप करना है, *141 देन *172 *। उसके बाद से जिस भी नंबर पे डाटा ट्रांसफ़र करना है, शेयर करना है, उस नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैं बताने के लिए अपना ही नंबर डाल देता हूँ। ओके, लास्ट में आपको हैज लगा देना है, ठीक है। सो गाइस, इसमें डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा मैं आपको पहले बता दूँ। जैसे कि मान लो कि इस सिम में मुझे 1.5 GB मिलता है। ओके, मुझे डेली 1.5 GB मिलता है, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं एक बार में पूरा 1.5 GB ट्रांसफ़र कर लूँगा तो वैसा नहीं होगा। आप इसमें से 1 GB ट्रांसफ़र कर सकते हैं या 100 MB, 200 MB, 500 MB ऐसे करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो 28 दिन का पैकेज है वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप केवल MB ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद से आपको इस पर कॉल वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। देन आपको कुछ स्क्रीनिंग मैसेज आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कुछ ऐसा मैसेज आएगा आपके सामने। तो फर्स्ट नंबर पर है शेयर टॉक टाइम एंड सेकंड पर है टेक एडवांस टॉक टाइम, ठीक है। तो हमें जो आपका डाटा है उसको शेयर करना है, तो आपको जस्ट वन क्लिक करके यहां से सेंड कर देना है। तो मैंने जो नंबर डाला है इसी सिम का नंबर डाला हूँ मैं आपको बताने के लिए, तो मैं इसमें तो शेयर नहीं कर सकता, बस आपको बताने के लिए अपना ही नंबर डाला हूँ। तो ऐसे करके आप डाटा को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइज, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें एंड पावरटेक चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।